मानते? क्या नहीं मानते? नहीं मानते तो चलिए दिखाती हूँ मैं मेरी लीला। कितनी बार बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। चल जल्दी तैयार हो जा। मैं भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या मेरी बात नहीं मानेगी? पहले दो लड़की पैदा कर चुकी है, फिर लड़की पैदा करेगी? है पता नहीं तू औरत है या लड़की पैदा करने की मशीन। मैं अपनी बच्ची को जन्म दूंगी, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगी। क्या मेरी बात नहीं मानेगी तू? ले ये ले, आ ये ले। Yeah!
औरतों की जिंदगी मैंने किस तरह बर्बाद कर दी। चलिए खाती हूँ। अरे टैंकर आ गया, पानी भर लो, टैंकर आ गया। अरे पिंकी बेटा, अरे जल्दी आ, अरे पानी आ गया, मैं लाइन में लगती हूँ, तू पानी ले के आ। सारी रात जागी रही, सोचा 2 बजे तक पानी आ जाएगा, पर पानी की बूंद तक छाए। अरे बेटा जो भी ड्रम ले आ, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। अरे तू पानी आ गई, अरे हम चलो पहले जाने का आ गया। अरे हाथ चलो, अरे पानी क्यों गिरा दिया? सारा कीचड़ फैला दिया, हटो यहाँ से। ये था पानी का बवाल, अब देखिए राशन का हाल। हाँ लाला जी, हाँ भेज दिया है। अरे आता ही होगा, अरे आपकी सेवा में तो लगे रहते हैं आजकल। हाँ ठीक है ठीक है। भैया भैया, राम राम। राम राम भैया, 10 किलो चावल काट दिखा। पहले कितनी बार बोला काट दिखाए कर। भैया राम राम। राम राम भैया, 10 किलो चावल और 8 किलो गेहूँ दे दो। देख चावल तो नहीं होगा, चावल लाला की दुकान से ले ले, ठीक है? क्या चावल खत्म हो गया? अभी 2 दिन पहले तो राशन आया था, और लाला की दुकान से क्यों लूं? राशन कार्ड क्या देखने के लिए बनवाया है? ज्यादा मत बोल, गेहूँ लेना ले, वरना वो भी नहीं दूंगा। 7 रुपए लेना ले, 7 रुपए किलो दूंगा मैं। क्या 7 रुपए किलो? ये तो सरकारी रेट नहीं। तेरे को ज्यादा पता सरकारी रेट का। अब तू लेके दिखा, ले तेरा राशन कार्ड। मेरा राशन कार्ड राशन वाले का अत्याचार, अब देखिए ठेकेदार का अत्याचार। अरे काजल बिटिया, अरे जल्दी आ जा, माल तैयार करना है, नहीं तो ठेकेदार आ गया तो पैसे काट लेगा। अरे दीपा, अरे कहाँ मर गई? जल्दी आ, देख यहाँ माल कितने कम है। जल्दी गिफ्टे पीसी तो कम है, 1 घंटे में बना के दे। भैंस करने आती है, काम तो करती नहीं है, बस ऐसा भैंस करवा लो। हैं ना इधर, और ये ले पैसे, चुपचाप रख ले जितने दे रहा हूँ, कल से काम भी नहीं दूंगा नहीं तो तुझे। हट अब, पूरा पूरा दिन रात काम करते करते आंखें फूक जाती है हमारी। थोड़ा सा काम के रह जाए उसमें आधे पैसे काट लेता है। माँ तो क्यों मुलकती है इनके, ये किसी की नहीं सुनता, और मैंने कितनी बार कहा है छोड़ दो ये काम, कोई दूसरा काम देख लेंगे। अगर ये काम भी छोड़ दूंगी तो कौन काम देगा? औरतों को आखिर कोई काम भी तो नहीं देता है। तेरे पापा का जब से फैक्ट्री में हाथ कटा है तब से खाना खाना भी दुर्भर हो गया है, उनकी दवाई का खर्चा अलग से, तेरी शादी का भी तो जिम्मा है मुझ पर। तू कहती है ये काम भी छोड़ दूं। इतनी मेहनत